यू हैव गॉन इन कॉग्निटो। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है इनकॉग्निटो मोड, कैसे ये आपके ब्राउज़र में काम करता है, गूगल क्रोम इसे इनकॉग्निटो मोड बोलता है, बाकी के ब्राउज़र जो है इसको प्राइवेट ब्राउजिंग के नाम से ये है जाने जाते हैं। क्या काम है इसका, कैसे ये अलग है हमारे बाकी के वेब ब्राउजिंग पेजेस से, जानेंगे इस वीडियो में इनकॉग्निटो मोड के बारे में। और मैं आशा करता हूँ आज आपको इस वीडियो के बारे में मैं सभी कुछ बता पाऊँगा, जो जानकारी आपको नहीं है वह भी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनलॉक टेक, जहाँ हर दिन मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कई सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल बटन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, इनकॉग्निटो मोड क्या होता है दोस्तों। इनकॉग्निटो मोड, हम जाएंगे हमारे क्रोम पर, ये देख रहे हैं आप हमारा ये लैंडिंग पेज है गूगल, यहाँ आप राइट टॉप पर तीन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा न्यू इनकॉग्निटो टैब। इसको ओपन करके आप जो ब्राउजिंग करते हैं वो पूरी तरीके से प्राइवेट होती है, सिक्योर होती है, उसका डाटा जो है बिल्कुल भी स्टोर नहीं होता है, उसकी हिस्ट्री भी क्रिएट नहीं होती है और वो एक तरह से पूरा सेफ माना जाता है। आप न्यू इनकॉग्निटो टैब में ब्राउजिंग करते वक्त अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई फॉर्म में एंट्रीज कर रहे हैं, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वह भी जो है फ्यूचर इवेंट के लिए कभी सेव नहीं होता है। और जैसे ही आप इनकॉग्निटो टैब से बाहर आते हैं आपका डाटा यहाँ से क्लियर कर दिया जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका एक फ़ायदा ये हो सकता है, जैसे आप अपने दोस्त के या किसी रिलेटिव के मोबाइल से कुछ काम करना चाहते हैं, आपका कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो आप उसका मोबाइल लें, आप उसके क्रोम ब्राउज़र में जाकर, या आप किसी दूसरे ब्राउज़र का भी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर इसे प्राइवेट ब्राउजिंग का नाम दिया गया है, गूगल क्रोम में इसे न्यू इनकॉग्निटो टैब कहा जाता है। आप इसको क्लिक करेंगे, वहाँ पर अपना संबंधित पूरा काम कर सकते हैं। काम करने के बाद जो है इसका फ़ायदा ये है कि कभी कभी हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि हम सामने वाले से ये नहीं कह सकते कि हमने जो भी काम किया उसको आप नहीं देखना, या हम उसको डिलीट कर देते हैं या आप डिलीट कर देना। इससे बेहतर है आप जो भी काम करना चाहते हैं उसे इनकॉग्निटो टैब के अंदर कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में या नेक्स्ट मिनट उस ब्राउज़र को बंद करते ही आपकी कोई भी जानकारी वहाँ पर स्टोर नहीं होगी। यह इसका सबसे अच्छा फ़ायदा है। अब इसकी दूसरी कहानी जो हम आपको बताएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों को लगता है कि इनकॉग्निटो मोड जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है, सेफ है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जो है आपकी प्राइवेसी को देख सकता है, लेकिन आपकी प्राइवेसी को कौन देख सकता है, यह देख सकता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जी हाँ, आपका ISP जो है, आपने क्या क्या किया, आपने क्या क्या ट्रैक किया, ट्रेस किया, ये सभी आपका ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देख सकता है। आपके स्कूल कॉलेजेस देख सकते हैं, अगर आप किसी कैंपस में या कहीं पर इस सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं और आपने इस सिस्टम का मिसयूज़ किया या कुछ अजीबोगरीब वेबसाइट्स को ओपन किया, तो जो है आपके स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं या प्राइवेट कंपनीज जो हैं इसको ओपन करा के ISP से कॉन्टेक्ट करके ईजिली देख सकती हैं कि आपने क्या ब्राउज किया। इसलिए दोस्तों जो भी आप ब्राउजिंग करें वो सोच समझ के करें, इंटरनेट में कोई भी ऐसी आँख नहीं है जिससे आप छिप सकते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे सिर्फ यही हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट पर गए, आपने कहीं कोई टिकट बुक किया या आप कुछ देखना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपने देखा होगा जो कैश मेमोरी होती है या जो कुकीज़ होती हैं जो आपके डेटा को सेव करके बार बार आपको रेलेवेंट्स ऐड देती हैं या अजीबोगरीब ऐड्स देती हैं, वो सभी नहीं दे सकती, क्योंकि उस वेबसाइट को आप एक नॉर्मल यूज़र हैं जिसको आपकी बिल्कुल जानकारी नहीं जाती है। इस मोड के अंदर जब आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, सर्चिंग कर रहे होते हैं, इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है जैसे ही आप इस टैब के बाहर आएंगे वह जानकारी वहीं समाप्त हो जाएगी और वो कंपनी बाद में, या आप कहें कोई भी वेबसाइट या कोई शॉपिंग साइट, आपको बार बार वो एड्स दिखाकर, वो ब्रेक्स दिखाकर आपको परेशान नहीं कर सकते। आप यहाँ देख सकते हैं इनकॉग्निटो मोड कैसे वर्क करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इनकॉग्निटो नन ऑफ योर ब्राउजिंग हिस्ट्री कुकीज एंड साइट डेटा और इन्फॉर्मेशन एंटर्ड इन फॉर्म्स आर सेव्ड ऑन योर डिवाइस। इनमें से कुछ भी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्रीज हो सकती हैं, कुकीज, साइट का डेटा हो सकता है, जो आप इन्फॉर्मेशन किसी फॉर्म में सेव करते हैं आपके डिवाइस पे, वो कुछ भी यहाँ पर सेव नहीं होगा। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ISP, वो ईजिली आपको यहाँ से देख सकता है। आपका ISP
होता क्या है, आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे आपने देखा होगा आजकल हम दो वेबसाइट्स का यूज़ कर रहे हैं, एक है HTTP, दूसरा है HTTPS। S माने हम उसको सिक्योर बोलते हैं, मतलब उस कंटेंट पर, उस साइट पर जो है आप जो भी डेटा को एक्सेस करेंगे वो पूरी तरीके से सिक्योर है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो HTTPS है ये एक हम कह सकते हैं जैसे पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया होता है, ये उस तरीके से काम करता है। आपके डाकिया को ये नहीं पता कि आपकी चिट्ठी में लिखा क्या है, लेकिन उसे ये तो पता है कि ये चिट्ठी कहाँ से आई है और किसको देना है। वो इन दो जगहों को तो जानता है, ये नहीं जानता कि उस चिट्ठी के अंदर मैसेज क्या है। बस यही काम करता है आपका HTTPS और आपका इनकॉग्निटो मोड। बाकी हम कहें कि हम यहाँ पे कुछ भी जो है आड़े टेढ़ा काम कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, किसी को कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और गवर्नमेंट की नज़र में हमेशा होते हैं, और अगर हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो वो हमें तुरंत ट्रेस कर सकते हैं। तो ये इनकॉग्निटो मोड के बारे में दोस्तों पूरी जानकारी थी। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है हाउ इनकॉग्निटो मोड प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बड़ा इजी इसको बताया गया है। यू आर इन कंट्रोल, आप ये भी देख सकते हैं। क्लोज ऑल इनकॉग्निटो विंडोज एंड टैब्स व्हेन यू आर डन ब्राउजिंग, यू एंड अ सेशन व्हेन यू क्लोज ऑल इनकॉग्निटो विंडोज। जैसे ही आप इनकॉग्निटो विंडोज को बंद कर देंगे आपका सारा सेशन जो है वहीं के वहीं तुरंत बंद हो जाएगा। इसका फ़ायदा आपको यह है कि आप जो है आगे चलकर अगर भूल भी जाते हैं और आपको लगता है कि मैंने वहाँ डिवाइस पर या मैं किसी प्राइवेट पब्लिक कंप्यूटर पर बैठा हुआ था, वहाँ पर मेरे आने के बाद भी कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, वो देख लेगा, वो जानकारी को ट्रेस कर लेगा, वो सारी हिस्ट्री पढ़ लेगा, ये सब इस इनकॉग्निटो मोड में नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज आपको ये वीडियो समझ आया होगा, इनकॉग्निटो मोड क्या होता है, इससे जुड़े हुए आपके सारे सवाल जो हैं यहाँ ख़त्म हो गए होंगे। और भी कुछ आपके सवाल हैं, कुछ सुझाव हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं, मैं उनके जवाब भी एक एक करके आप लोगों को ज़रूर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।